हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता हियर, होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, क्या आप नोटिस कर रहे हैं मेरी ग्लोइंग स्किन? ओ, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ, बीबी क्रीम अपने आप से कैसे बनाएं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे कोई अच्छा सा बेस चाहिए कि आप उसे यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग भी हो और अच्छी भी दिखे, तो मैं आपके लिए एक ये बीबी क्रीम लाई हूँ। ये मैंने अभी बनाया है, देख सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट से बनाया है और देख सकते हैं, मैंने वही अप्लाई किया और मेरी फेस कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। हर चीज़ मेरा, मतलब मेरा हाईलाइटिंग भी देखिए, एरिया कितने अच्छे से परफेक्टली मेरा हाईलाइट होके आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो जो चीज़ यूज़ की है ना, अगर आप भी इसे बनाकर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं चलती हूँ आपको बताने कि बीबी क्रीम बनाते कैसे हैं, और उससे मैं आपको ये बेस जो मैंने अभी किया है वो ट्राई करके दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है। मॉइस्चराइज़र में पहले इसको एक बोल में निकाल दे रही हूँ। थोड़ा सा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेटापिल का लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो मेरा फेवरेट है, उसका लिक्विड हाइलाइटर। ध्यान रहे, आपको लिक्विड हाइलाइटर लेना है। थर्ड मैं फाउंडेशन ले रही हूँ पैक का। आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, मेरे पास पैक था तो मैंने इसका ले लिया। नेक्स्ट मैं लूँगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसको मैं अच्छे से स्क्रैच करके थोड़ा सा उसका वो निकाल लूँगी और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब देखिए, मैंने मिक्स कर दिया। मैं आपको अपने हाथ पर देखिए लगा के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, कितना परफेक्टली, कितना शाइन कर रहा है, राइट। अब आप चाहे तो इसको ब्रश से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए, ब्लेंड करने के बाद ये अलग ही कितने डिफरेंस आ रहे हैं मेरे हाथों में, और बहुत शाइनी भी लग रहा है। तो इसे आप कैसे रोज़ यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ मैंने कैसे इसको अप्लाई किया अपने फेस पे। तो मैंने अभी बिना मॉइस्चराइज़र, बिना प्राइमर के मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र मिला दिया था, तो मैं इसे डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश से इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप चाहे तो स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्पॉन्ज यूज़ करना चाहिए था, येस, बिकॉज बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया था। और तो इसलिए मैंने क्या किया ना, कि इसको अच्छे से वापस से एक बार स्पॉन्ज भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जो मेरा ऑलवेज फेवरेट हो गया है, ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है। मैं आपको कितनी बार, मतलब मेरी वीडियोस में आपने बहुत बार देखे होंगे ये कंसीलर। तो ये कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अच्छे से, अपने फोरहेड पे, अपने आँखों के नीचे, अपने आईलिड पे, अपने जहाँ भी मेरे को पिगमेंटेशन लग रहा है, मैं वहाँ पर अप्लाई करके मैं उसको अच्छे से स्पॉन्ज से डैब डैब मोशन में अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आज पता है मैंने क्या किया है, आज मैं कॉम्पैक्ट पाउडर एक साइड में लगाऊंगी और दूसरे साइड में मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है फिटमी का, तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। फिटमी का कॉम्पैक्ट वैसे बहुत अच्छा होता है, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ब्लेंड होता है और ये मैट फिनिश देता है। तो मैं यहाँ पे एक साइड पे लगा लिया है मैंने अपना फिटमी का। नेक्स्ट मैं लूँगी मेरा फेवरेट ऑलवेज़ स्विस ब्यूटी का है लूज़ पाउडर, मैं उसे लगा रही हूँ। बट दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हैं दोस्तों, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितने डिफरेंस हैं, बट मुझे तो एकदम बराबर ही लग रहा है, दोनों ही अच्छे हैं। आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कान के एरिया को ज़रूर कवर करें। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेरे ब्राउज़ को फिल करने के लिए। इस बार ना मैं ब्राउज़ बहुत अच्छे से फील करने वाली, क्योंकि मैं हर बार ब्राउन शेड लेती हूँ, बट इस बार मैं डार्क ब्लैक ले रही हूँ। हाँ जी हाँ, डार्क ब्लैक ले रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही डार्क है, बट कोई नहीं, एक बार ये हो जाएगा ना, देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, इतना बढ़िया से बैठेगा ना कि पूछिए मत। तो ये मैं अच्छे से, मैंने इसको फील कर लिया है। अब मैं दोनों आईब्रोज को अपने इसी से फील करूँगी, एकदम डार्क से, बट देख सकते हो कितना परफेक्टली बैठा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कुछ देर में, देख सकते हैं कितने परफेक्टली बैठा है ना। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना आई शेडो। इस बार ना मैं आपको काफ़ी क्लोजली दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने तो अपने लेंस को जूम कर दिया है ताकि आप अच्छे से देख पाओ मैं आई शेडो कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे अप्लाई करती हूँ। तो मैंने पहले लाइट ब्राउन लिया, फिर मैंने उसे थोड़ा डार्क लिया, फिर मैंने उसे और डार्क लिया, ऐसे कर करके मैंने अपने आईलिड को अच्छे से कवर कर दिया ब्राउन कलर से। और फिर जो आगे का है ना एरिया, मैं उसे थोड़ा शिमर दे रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो शिमर देने के बाद मैं एक आज क्या कर रही हूँ पता है, अपने आँखों के नीचे काजल को स्मज कर रही हूँ। हाँ, मेरे पास काजल पाउडर वाला था, उसको मैं अच्छे से अपने आँखों के नीचे स्मज कर रही हूँ। स्मज करने के बाद मेरे पास काजल है, मैं काजल से भी अपने आँखों को वाटर लाइन पर फील कर दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं लाइनर आज लगा रही हूँ। लाइनर भी मैंने आपको बहुत क्लोजली दिखाया है, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि मैं लाइनर कैसे यूज़ करती हूँ और मैं कैसे अच्छे से परफेक्टली मेरा लाइनर बैठ भी जाता है।
तो देखिए मैं इस बार लिक्विड हाइलाइनर जो लैक्मे का मैं वो यूज़ कर रही हूँ, इतने परफेक्टली ये बैठेगा। मुझे तो बहुत डर लगता है लाइनर लगाने में, बहुत मैं कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ, बट अब क्या है ना मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देख सकते हैं ये रहा, अच्छे से मैंने विंग्स निकाला, ए यहाँ से और ये यहाँ से, कितना परफेक्टली बैठ गया। नहीं अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश, ब्लश मैं अपने नाक पे अपने चिक पे लगा ली हूँ। एक्चुअली मेरे होंठ ना बहुत ड्राई ड्राई फील हो रहे थे इसलिए मैंने उस पर बोरोलिन लगा लिया था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ 9 to 5 लैक्मे का वाइन शेड, ये मैं अभी मैंने नया लिया था, मैं सोचा इस बार इसको ट्राई करूँ तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं जो मेरे पास एक हाइलाइटर था मैं उसे थोड़ा सा लगा रही हूँ अपनी नोज़ पे, भाई थोड़ा तो दिखना चाहिए ना हाइलाइटिंग मेरे फेस। तो ये हो गया मेरा लैशेज हो गया, मैंने लैशेज पे अपना मस्कारा भी लगा लिया। नेक्स्ट मेरा जो मेकअप फिक्सर है मैं उसको 3 बार चेक करके अच्छे से मैंने उसको अपने फेस पे कर लिया। ये हुआ मेरा फाइनल लुक। दोस्तों मेरा लुक कैसा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।